मैं मोदी को वोट क्यों नहीं दूंगा, आइए आपको 10 वजहें गिनाता हूं। मैं मोदी को वोट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अब देश के बड़े शहरों में ये अनाउंसमेंट नहीं होता है कि कृपया सावधान रहें, लावारिश वस्तुओं को न छुएं, अपनी सीट के नीचे जरूर देखें। मैं मोदी को वोट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इस बार चुनाव के साथ ही आईपीएल भारत में ही हो रहा है, जबकि पिछली बार चुनाव के समय कांग्रेस सरकार ने सुरक्षा को लेकर हाथ खड़े कर दिए थे तो आईपीएल विदेश में होता था। मैं मोदी को वोट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कश्मीर के पत्थरबाजों की उन्होंने रोजी रोटी छीन ली, जो लोग सेना पर पत्थर मारकर हजारों कमा लेते थे अब वो बेरोजगार हो गए हैं। मैं मोदी को वोट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अब मैं रास्ते पर पेशाब नहीं कर पाता, मोदी ने जगह जगह शौचालय बनवा दिए हैं। मैं मोदी को वोट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने सबके बैंक अकाउंट खुलवा दिए हैं, अब मुझ जैसे अमीर और मेरे घर काम करने वाले गरीब में क्या फर्क रह गया है। मैं मोदी को वोट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि उसने लाल बत्ती खत्म कर दी है, अब अपनी औकात ही पता नहीं चलती। मैं मोदी को वोट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मेरे चाचा जिस गैस सिलेंडर को ब्लैक में बेचकर हजारों कमाते थे, मोदी ने गैस को मुफ्त में गरीबों को देकर धंधा ही चौपट कर दिया है। मैं मोदी को वोट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि उसने गैजेटेड अफसर से अटेस्टेड कराने की जरूरत ही खत्म कर दी। हम जैसे पढ़े लिखे बाबू जो टेबल के नीचे कुछ कमा लेते थे वो भी बंद हो गया। मैं मोदी को वोट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि किसानों के हितैषी श्री रॉबर्ट वाड्रा को आज कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उन्होंने किसानों के लिए कितना काम किया है। मैं मोदी को वोट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इनके राज में लोन न लौटाने पर शामत आ जाती है, मुझे तो नीरव मालिया और चौकसी को देखकर डर लगने लगा है। इसलिए आप जब भी वोट देने जाएं तो मेरी ये बात जरूर याद रखना, वरना आज जो मेरी हालत है वो कल आपकी भी हो जाएगी।